हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे लेटेस्ट पैटर्न इंग्लिश क्वेश्चंस सभी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क के नोटिफिकेशंस आने वाले हैं, और उसके बाद आईबीपीएस पीओ और क्लर्क का करके एग्जाम्स होंगे। तो इन सभी बैंकिंग नोटिफिकेशंस को देखते हुए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है। इसमें मैं रेगुलर बेसिस पर इंग्लिश सेक्शन के जो लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं उनको मैं अपलोड करता हूँ, और उनको हम डिटेल में यहाँ पर समझते हैं और यहाँ पर डिस्कशन होता है। तो इस चैनल पर यदि आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को आप ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा इंग्लिश सेक्शन का बैंकिंग और एसएससी एग्जाम्स के लिए। और आप मेरे फ्री ब्लॉग्स भी पढ़ सकते हैं, examinee.in, इस वेबसाइट पर जाकर आप मेरे फ्री ब्लॉग्स भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इन रियल क्वेश्चंस को। इस तरह के क्वेश्चंस आपके बैंकिंग एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, ये है रियल क्वेश्चंस। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपके बैंकिंग एग्जाम्स में, प्री में और मेंस में। तो यहां पर मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं और पैराग्राफ फिलर के ये क्वेश्चंस हैं। एक होते हैं वर्ड फिलर्स और एक होते हैं पैराग्राफ फिलर्स। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये पूरा पैराग्राफ यहां पर दिया है, और इसमें कहीं पर भी बीच में या एंड में या शुरू में एक ब्लैंक आपको दिया जाएगा, और यहां पर इसको आपको फिल करना है। अब इसको जब आप फिल करेंगे तो यहाँ पर से आप ऑप्शंस लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 ये ऑप्शंस दिए हैं, यहाँ पर से एक ऑप्शन यहाँ पर आपको फिल करना है। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये प्री और मेंस दोनों ही एग्जाम्स में, सभी बैंकिंग एग्जाम्स में ये आ सकते हैं। ये करेंट ट्रेंड के क्वेश्चन हैं। तो इनको करने की सही अप्रोच क्या है? देखिए, एक तो ट्रेडिशनल अप्रोच है जो कि इफेक्टिव नहीं है। इसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा खर्च होगा और एक्यूरेसी बहुत कम आएगी। सही अप्रोच है कि आपका टाइम कम से कम खर्च हो, टाइम आपका कम से कम लगे और एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा आए, ये है बेस्ट अप्रोच। तो अपने सभी वीडियो क्लासेस में जो मैं बेस्ट अप्रोच बताता हूँ वो लॉजिक पर बेस्ड होती है। उसमें तीन चीज़ें मैं बताता हूँ। एक तो आपको कीवर्ड बताता हूँ मैं आपको, एक मैं आपको लिंक बताता हूँ, और एक मैं आपको लॉजिकल अप्रोच बताता हूँ। तो इन तीन चीज़ों को आपको अप्लाई करना है, लॉजिकल अप्रोच को, कीवर्ड को और लिंक को। इस तरीके से यदि इन क्वेश्चंस को आप करते हैं तो ना केवल आपकी अच्छी एक्यूरेसी आएगी, 80-90% तक आपकी एक्यूरेसी आएगी, और विद इन सेकेंड्स आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम्स में जो टाइम मैनेजमेंट है वो एक क्रूशियल फैक्टर है, और उसको आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा, तभी आपको सक्सेस मिल सकती है बैंकिंग एग्जाम्स में। अब देखिए, ये क्वेश्चन देखने में काफ़ी टफ लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे वर्ड्स भी दिए हैं टफ, और यहाँ पर ऑप्शन है। तो एज ए स्टूडेंट आपको लग रहा होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है, लेकिन जो मैं ट्रिक आपको बताऊंगा, जो मैं लॉजिक आपको बताऊंगा, उसको यदि आप अप्लाई करते हैं तो काफ़ी कम टाइम में पूरी एक्यूरेसी के साथ इसको सॉल्व आप कर पाएंगे, और इसको आप प्रूव कर पाएंगे, लॉजिकली प्रूव कर पाएंगे कि ये क्वेश्चन का आंसर यही होगा। देखिए, यहां से हम पढ़ते हैं, वन पर्टिकुलर थिंग अबाउट मॉडर्न सिटीज इज द स्कैंट रिगार्ड फॉर कीपिंग द सिटी क्लीन एंड टाइडी, द इनडिफरेंट एटीट्यूड एंड डेलिबरेट नेग्लेक्ट बाय द सिविक अथॉरिटीज हैव लेफ्ट सिटीज विद डंप्स ऑफ सॉलिड एंड अदर वेस्ट चोकिंग एंड ओवरफ्लोइंग सीवेज एंड ड्रेन्स रिजल्टेड इन टू मच वाटर स्टोरेज एंड डर्ट एवरीवेयर गिविंग राइज टू एपिडेमिक्स लाइक मलेरिया, टाइफॉइड, डेंगी एवरी ऑल्टरनेट ईयर। इस पैराग्राफ को यहां तक मैंने पढ़ा, और इसके थ्रू आपको क्या आइडिया लगा? इसमें इसके थ्रू ये आइडिया लगा कि सिटीज में काफी काफी ज्यादा गंदगी है और सिटीज में सफाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वन देखिए, फिर से पढ़ते हैं। यहां पर ये क्वेश्चंस को मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये वीडियो क्लास है, लेकिन एग्जाम जो मैं ट्रिक बताऊंगा उसको आप अप्लाई करेंगे तो एग्जाम में काफी कम टाइम में आप कर पाएंगे, लेकिन यहां पर मैं आपको एक एक चीज डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। वन पर्टिकुलर थिंग अबाउट मॉडर्न सिटीज इज द स्कैंट रिगार्ड, मतलब स्कैंट रिगार्ड मतलब बहुत कम रिगार्ड है ज्यादातर सिटीज में फॉर कीपिंग द सिटीज क्लीन एंड टाइडी। तो ज्यादातर सिटीज में, ठीक है, साफ सफाई के लिए और सिटी को सही अच्छे तरीके से रखने के लिए काफी कम रिगार्ड है, उसको कोई ध्यान नहीं देता उसकी तरफ। स्कैंट रिगार्ड मतलब, स्कैंट का मतलब होता है काफी कम, रिगार्ड मतलब उसको कोई ऑनर नहीं करता, उसको कोई ध्यान नहीं देता। द इनडिफरेंट एटीट्यूड एंड डिलिबरेट नेग्लेक्ट बाय द सिविक अथॉरिटीज, जो सिविक अथॉरिटीज होती हैं जो शहर की साफ सफाई का ध्यान रखती हैं, वो निगलेक्ट करती हैं उसको, ठीक है।
दे हैव लेफ्ट सिटीज विद डम्प्स ऑफ सॉलिड एंड अदर वेस्ट चोकिंग एंड ओवरफ्लोइंग सी बेज एंड ड्रेन्स। यहाँ पर जो कूड़ा कचरा रहता है वो सीवेज लाइंस को और ड्रेन्स को क्या कर देता है, ओवरफ्लो चोक कर देता है, जिसकी वजह से ये लाइन सारी ओवरफ्लो होती रहती हैं, रिजल्टेड इन टू मर्स, और उसकी वजह से मर्स, वाटर स्टोरेज ये सब फैलता रहता है, और इसकी वजह से एपिडेमिक्स यानी ये बीमारियां होती हैं, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगी एवरी ऑल्टरनेट ईयर्स, हर दूसरे साल ये बीमारियां फैलती हैं शहरों में इन गंदगी की वजह से। वेरियस रीजन्स एंड फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉर्डिड स्टेट ऑफ सिटीज। हमारे शहरों की जो गंदी स्थिति है, जो वहाँ पर गंदगी है या कूड़ा कचरा है वहाँ पर, उसके लिए काफ़ी सारे रीजन्स और फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। वेरियस रीजन्स एंड फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉर्डिड स्टेट ऑफ सिटीज़। सॉर्डिड स्टेट ऑफ सिटीज़ मतलब सिटीज़ की जो 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 काफ़ी ख़राब स्थिति है, काफ़ी घृणास्पद स्थिति है, हेटफुल या शेमफुल स्थिति है, ठीक है, तो उसकी इसमें बात हो रही है। अब यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, वेरियस रीजन्स एंड फैक्टर्स की इसमें बात हो रही है। वेरियस रीजन्स एंड फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल, इस गंदगी के लिए बहुत सारे रीजन्स और फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। तो वो फैक्टर्स और रीजन्स कौन से हैं, वो यहाँ पर आएगा। ये कॉमन सेंस अप्रोच है। अब इन सेंटेंसेस में हम देखते हैं कहाँ पर वो रीजन्स और फैक्टर्स दिए हैं, ठीक है। अब देखिए, एनी पॉजिटिव डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं दिए, द सिटी एपिटोमाइज एरियाज यहाँ पर नहीं दिए, यहाँ पर देखिए दिए हैं अनप्लान्ड ग्रोथ ऑफ कॉलोनीज, इल मैनेज्ड ऑफ रिसोर्सेज, इल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, साइड लाइनिंग द इशूज सच एज पॉल्यूशन, एजुकेशन, क्लैनलीनेस आर टू ए ग्रेट एक्सटेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग सिटीज अ नाइट मेयर। ये फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं सिटीज़ को गंदा करने के लिए, और सिटीज़ को नाइट मेयर का मतलब होता है एक बुरा, एक बैड एक्सपीरियंस, ठीक है। तो यहाँ पर हम रीजन्स एंड फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर हम उन रीजन्स और फैक्टर्स को बता रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं सेंटेंस को। तो यहाँ पर आपका लॉजिकली सही आंसर क्या होगा, लॉजिकली आंसर होगा आपका थर्ड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा इस तरीके से क्वेश्चंस को करना है। अब देखिए, इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपका एक तो आपकी रीडिंग हैबिट काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, रेगुलर बेसिस पर आपको रीड करना है न्यूज़पेपर्स को, और आपको जो मेन मेन वर्ड्स हैं, जो जो कोर वर्ड्स हैं वो आपको आने चाहिए। जैसे सॉर्डिड यहाँ पर एक कोर वर्ड है, स्कैंट एक कोर वर्ड है, ये आपको आने चाहिए, एपिडेमिक्स। तो यहाँ पर हमने रीजन्स और फैक्टर्स की बात की है, और यहाँ पर हमने उसको एक्सटेंड किया है उन रीजन्स और फैक्टर्स को बताते हुए। तो थर्ड इसमें आपका सही आंसर होगा। इसमें काफ़ी सारे वर्ड मीनिंग भी दिए हैं, जैसे प्रोलीफरेशन दिया है जिसका मतलब होता है फैलना किसी चीज़ का, ठीक है, स्कैंट मतलब कमी या कम, सॉर्डिड मतलब हेटफुल या शेमफुल। तो ये जो कोर वर्ड्स हैं ये आपको आसानी से याद हो सकते हैं यदि रेगुलर बेसिस पर इनको आप रिवाइज करें और रीडिंग करें। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेम ट्रिक से इसको मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इन द स्लाइटली लेस देन ए 100 ईयर्स फ्रॉम 1898 टू 1994, ये यहाँ पर 100 सालों के एक ड्यूरेशन की बात हो रही है। यहाँ पर बोल रहे हैं स्लाइटली लेस देन अ 100 ईयर्स, 100 ईयर से थोड़ा सा कम, यानी ये जो पीरियड है ये 100 ईयर्स से थोड़ा सा कम है, इसमें 6 साल जो है ये कम है, ठीक है, 94 ईयर्स इसमें हैं, 1898 से 1994 तक। द US गवर्नमेंट हैज़ इंटरवीन्ड सक्सेसफुली टू चेंज गवर्नमेंट इन लैटिन अमेरिका अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 41 टाइम्स। मतलब US ने लैटिन अमेरिका में इंटरवीन किया है, वहाँ पर उन्होंने इमीडिएट किया है उनकी गवर्नमेंट को बनाने में, कितने बार किया है, 41 बार किया है। दैट अमाउंट्स टू वंस एवरी 28 मंथ्स, मतलब हर 28 महीने में एक बार उन्होंने इंटरवीन किया है यूएस गवर्नमेंट ने लैटिन लैटिन अमेरिका की गवर्नमेंट को बनाने में। डायरेक्ट इंटरवेंशन अकर्ड इन 17 ऑफ द 41 केसेस। जो डायरेक्ट इंटरवेंशन हुआ है वो 41 में से 17 बार हुआ है, टोटल 41 बार इंटरवेंशन हुआ है, लेकिन 41 में से 17 बार इंटरवेंशन जो हुआ है वो डायरेक्ट हुआ है, ठीक है। तो इन इंटरवेंशन की बात हो रही है। अब देखिए, यहां पर इंटरवेंशंस की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर कोई ना कोई प्रोनाउन होगा जो इस इंटरवेंशंस नाउन को रिप्लेस करेगा, या लॉजिकली यहाँ पर एक एक प्रोनाउन आ सकता है जो इंटरवेंशंस को रिप्लेस करे यहाँ पर, ठीक है, और वही यहाँ पर लॉजिकली फिट हो सकता है।
अब देखिए यहां पर देखिए, इट इज नो डाउट स्टिल देयर, यहां पर तो हम किसी और चीज की बात कर रहे हैं। ओवर थ्रोइंग गवर्नमेंट इन लैटिन अमेरिका हैज नेवर बीन एग्जैक्टली रूटीन, यहां पर हम किसी और चीज की बात कर रहे हैं। अब यहां पर देखिए, वाइल डायरेक्ट इंटरवेंशन आर इजीली आइडेंटिफाई, यहां पर हम किसी चीज की बात कर रहे हैं। अब आप यहां पर देखिए फोर्थ में, दीज इंसिडेंट्स, कौन से इंसिडेंट्स, ये दीज किसके लिए आ रहा है, ये दीज आ रहा है इंटरवेंशंस के लिए। यहां पर जो इंटरवेंशंस आया है, मतलब 41 केसेस हुए इंटरवेंशन के, तो उसी के लिए ये आया है दीज इंसिडेंट्स, ये कीवर्ड है दीज इंसिडेंट्स। यानी यहां पर लॉजिकली केवल यही सेंटेंस आ सकता है फोर्थ, दीज इंसिडेंट्स। तो दीज इंसिडेंट्स इन्वॉल्व द यूज ऑफ यूएस मिलिट्री फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंट्स और लोकल सिटीजन्स एम्प्लॉयड बाय यूएस गवर्नमेंट एजेंसीज। ठीक है, तो यहां पर इसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं इसके थ्रू, दीज इंसिडेंट्स के थ्रू। यहां पर फिर हमने दूसरे केसेस की बात की है, इन अनदर 24 केसेस द यूएस गवर्नमेंट प्लेड एन इनडायरेक्ट रोल, यहां पर हमने डायरेक्ट रोल की बात की है और इस दूसरे पैरा में हमने इनडायरेक्ट रोल की बात की है। तो यहां पर इसका एक्सटेंशन जो है, इसका जो लॉजिकल एक्सटेंशन है वो केवल यही सेंटेंस हो सकता है, क्योंकि यहां पर नाउन को प्रोनाउन के द्वारा रिप्लेस किया जा रहा है इस सेंटेंस में। ठीक है, तो ऐसे इन सेंटेंसेस को करना है। आई होप कि आपको समझ में आया ये, और इस तरीके से आपको करना है। अब हम देखते हैं सेकेंड सेंटेंस, इन इट्स मोस्ट पैसिमिस्टिक डीह्यूमनाइज्ड फॉर्म द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में इंडीड हैव द पोटेंशियल टू रोबोटाइज ह्यूमैनिटी एंड दस टू डिप्राइव अस ऑफ आर हार्ट एंड सोल। किसकी बात हो रही है इसमें, इसमें इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात हो रही है, और इसमें ये बताया जा रहा है कि आने वाले टाइम में पूरी ह्यूमैनिटी रोबोटाइज हो जाएगी। मतलब वहां पर हार्ट एंड सोल यानी फीलिंग्स और सेंसिटिविटी, इन चीजों की वैल्यू कम होगी और सारी चीजें मैकेनिकल हो जाएंगी, ये इसका सेंस निकल रहा है यहाँ पर। बट एज ए कॉम्प्लीमेंट टू द बेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर, क्रिएटिविटी, एम्पैथी, स्टीवर्डशिप, इट कैन ऑल्सो लिफ्ट ह्यूमैनिटी इन टू ए न्यू कलेक्टिव एंड मोरल कॉन्सियसनेस बेस्ड ऑन ए शेयर्ड सेंस ऑफ डेस्टिनी। यानी इन चीज़ों की वैल्यू, इन चीज़ों की ये चीज़ें जो रहेंगी, ये ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाएंगी आने वाले टाइम में। क्रिएटिविटी मतलब ये फिर भी एग्जिस्ट करेंगी, क्रिएटिविटी, एम्पैथी, स्टीवर्डशिप, इट कैन ऑल्सो लिफ्ट ह्यूमैनिटी इन टू ए न्यू कलेक्टिव एंड मोरल कॉन्सियसनेस। ठीक है, मतलब ये चीज़ें कॉमन रहेंगी, कलेक्टिव कॉन्सियसनेस मतलब ये चीज़ें कॉमन रहेंगी सभी सभी ह्यूमंस के अंदर। इट इज़ इनकम्बेंट ऑन अस, मतलब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट इज़ इनकम्बेंट ऑन अस ऑल टू मेक श्योर द लेटर प्रिवेल्स। लेटर प्रिवेल्स, इसमें दो चीज़ों की बात की गई है, एक इसमें ह्यूमैनिटी के मैकेनिकल एस्पेक्ट की बात की गई है, और दूसरी तरफ इसमें सॉफ्टवेयर जो एस्पेक्ट है, जैसे क्रिएटिविटी, एम्पैथी, स्टीवर्ड्स, इसकी बात की गई है। तो लेटर का मतलब ये है कि हम यहाँ पर इसको बोल रहे हैं लेटर। लेटर मतलब बाद वाला जो पार्ट है, ये हमें इंश्योर करना चाहिए कि ये प्रिवेल करे, ये एग्जिस्ट करे। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपको क्या, इट इज इनकम्बेंट ऑन अस ऑल टू मेक श्योर द लेटर प्रिवेल्स, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, अब इसका लिंक यहां पर आपको चाहिए, तो इसका लिंक क्या होगा, देखिए यहां पर ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन की बात हो रही है, तो ये तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। और यहां पर देखिए, वी शुड दस ग्रेस्प द अपॉर्चुनिटी, यहां पर हम बोल रहे हैं कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, कि हम इसको मेंटेन करें, क्रिएटिविटी, एम्पैथी और स्टीवर्शिप को, तो इसको मेंटेन करने के लिए हमें हम कैसे कर सकते हैं इसको, देखिए यहां पर देखिए सेकंड सेंटेंस, वी शुड, काफी सारे लिंक्स हैं यहां पर, अभी मैं बताऊंगा कौन से लिंक हैं। वी शुड दस ग्रेस्प द अपॉर्चुनिटी एंड पावर वी हैव टू शेप द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। मतलब यहां पर भी हम सेम चीज की बात कर रहे हैं, यहां पर हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं कि उसको हम किस तरीके से शेप कर सकते हैं। और यहाँ पर एक कीवर्ड आया है दस, वी शुड दस, और हमको इस तरीके से अपॉर्चुनिटी का ग्रेस्प करना चाहिए कि हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को शेप कर सकें। यहाँ पर हमने बात की है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, इट इज इनकम्बेंट ऑन अस ऑल टू मेक श्योर द लेटर प्रिवेल्स। मतलब हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन सारी चीज़ों को, ह्यूमैनिटी के सॉफ्टवेयर पार्ट को प्रिवेल करें। वो हम कैसे कर सकते हैं, वो यहाँ पर बताया है सेकंड में। ठीक है, वी शुड दस ग्रेस्प द अपॉर्चुनिटी, तो सेकंड यहाँ पर एब्सोल्यूट
करेक्ट लॉजिकल फिट है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको करना है। यदि आप इस तरह का कंटेंट आप पढ़ना चाहते हैं और SBI PO 2019 में आप श्योर सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारा ई कोर्स शुरू हो चुका है, इसके फ्रेश बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं, इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, इसको रोक के आप यहाँ पर पूरा पढ़ सकते हैं, पूरा डिटेल यहाँ पर दिया गया है। और इसको यदि आप फॉलो करते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे SBI PO में और SBI क्लर्क में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर फिर से मैं सेम लॉजिक आपको बताऊंगा, इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इन द कमिंग डिकेड, मतलब इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो उससे उम्मीद की जाती है कि वो बढ़ सकती है। इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इन द कमिंग डिकेड्स, कमिंग डिकेड्स मतलब आने वाले दशकों में इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़ सकती है या उम्मीद की जाती है कि वो बढ़ेगी, ब्रिंगिंग विथ इट इंक्रीज पर कैपिटल GDP। और इसके साथ जब इंडिया का ये इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी तो पर कैपिटल GDP यानी पर कैपिटल जो इनकम है वो भी बढ़ेगी, ठीक है, एन इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा। इंडियाज पॉपुलेशन इज ऑल्सो प्रोजेक्टेड टू रीच 1.6 बिलियन बाय एज अर्ली एज 2036, यानी 2036 तक इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 1.6 बिलियन तक पहुंच सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ सकता है ये हम आगे देखते हैं, द नीड फॉर मोर फूड, ये है लिंकिंग वर्ड आपका, द नीड फॉर मोर फूड, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसके लिए ज्यादा फूड को प्रोड्यूस करने की भी जरूरत होगी। द नीड फॉर मोर फूड प्रोडक्शन विल ब्रिंग इट्स ओन इम्पैक्ट ऑन ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, जब हम ज्यादा फूड प्रोड्यूस करेंगे तो ज्यादा फैक्ट्रीज लगेंगी, ज्यादा ज़्यादा ऑपरेशंस बढ़ेंगे, और उसके लिए फिर ग्रीन हाउस गैस जो है विल ब्रिंग इट्स ओन इम्पैक्ट ऑन ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड मे दस क्रिएट एडिशनल कॉम्प्लिकेशंस फॉर इंडियाज क्लाइमेट गोल्स, इंडिया का जो क्लाइमेट चेंज की जो सिचुएशन है वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो यहाँ पर एक ऐसा सेंटेंस आ सकता है जो नीड फॉर मोर फूड से रिलेटेड हो, वो हम देखते हैं। If India wants to increase its food production without missing its climate target, then it will need new science and technology solutions. यहाँ पर थोड़ा सा साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात की गई है, इसलिए ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। एग्रीकल्चर एडवर्सली अफेक्ट फ्रेश वाटर, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। द हायर पॉपुलेशन एंड इनकम्स आर लाइकली, देखिए यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं कि GDP बढ़ेगा, इनकम लोगों की बढ़ेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी, ठीक है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, उस इम्पैक्ट की यहाँ पर बात हो रही है थर्ड में। द हायर पॉपुलेशन एंड इनकम्स आर लाइकली टू कम विथ नॉट ओनली इंक्रीज डिमांड फॉर फूड, देखिए यहाँ पर भी इंक्रीज डिमांड ऑफ फूड की बात हो रही है, यहाँ पर भी इंक्रीज डिमांड ऑफ फूड की बात हो रही है, तो ये कॉमन फैक्टर यहाँ पर एक क्रिएट हो रहा है सेंटेंस नंबर थर्ड में। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा सेंटेंस नंबर थर्ड। इस तरीके से इन सेंटेंसेस को किया जाता है, दिस इज द राइट अप्रोच ऑफ सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए चाइल्ड लेबर इज अनडाउटेडली अ ह्यूमन राइट इशू, चाइल्ड लेबर का जो इशू है वो ह्यूमन राइट इशू है। इट इज नॉट ओनली एक्सप्लॉयटेटिव, मतलब इसमें बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनका शोषण होता है। इट इज नॉट ओनली एक्सप्लॉयटेटिव बट ऑल्सो इनडेंजर्स चिल्ड्रंस फिजिकल कॉग्निटिव इमोशनल सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट, ये बात बिल्कुल सही है। एक बच्चा है 10-12 साल का, 13-14 साल का, उसको आप उससे आप मेहनत मजदूरी करा रहे हैं, उसको आप पढ़ाई लिखाई नहीं करवा रहे, स्कूल कॉलेज में नहीं भेज रहे हैं, तो उसका फिजिकल कॉग्निटिव इमोशनल एंड सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, दिस इज अ विशियस साइकिल, यहाँ पर एक प्रोनाउन आया है दिस, तो यहाँ पर आपको एक फैक्ट चाहिए और उसी के लिए ये प्रोनाउन आया है दिस, दिस इज ए विशियस साइकिल। इसका मतलब क्या है, विशियस साइकिल क्या होती है, जैसे एक छोटा बच्चा है उसको आप उसको चाइल्ड लेबर पर लगा दिया, उसकी पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं हो पाई, जब वो बड़ा होगा उसकी शादी होगी तो उसकी इनकम तो कुछ होगी नहीं, तो क्या वो अपने बच्चों को बड़े कॉन्वेंट स्कूल में भेज पाएगा, उसकी तो इनकम है ही नहीं ना, वो तो लेबर गिरी करता है, लेबर करता है वो, तो उसके जो बच्चे होंगे वो भी चाइल्ड लेबर में आ जाएंगे, गरीबी के एक साइकिल में फंस जाएंगे, तो उसी की इसमें बात हो गई है, दिस इज ए विशियस साइकिल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक इससे रिलेटेड एक फैक्ट चाहिए, तो उसको हम देखते हैं कहाँ से वो मिलेगा।
ह्यूमन राइट्स जनरेट लीगल ग्राउंड्स, नहीं ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, कंसेप्चुलाइजिंग चाइल्ड लेबर एज ए ह्यूमन राइट इशू गिव्स द विक्टिम विद द अथॉरिटी टुडे ट्रेडिशनल प्रिस्क्राइब्ड इंटरवेंशंस, नहीं ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और आ सकती है, यहाँ पर हम चाइल्ड लेबर की बात कर रहे हैं, चाइल्ड लेबर क्या है, एक नाउन है, तो यहाँ पर इसको हम प्रोनाउन से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये वाला सेंटेंस देखिए, फोर्थ सेंटेंस देखिए, इट परपेचुएट्स पॉवर्टी, इट मतलब क्या है, चाइल्ड लेबर, इट परपेचुएट पॉवर्टी बिकॉज अ चाइल्ड लेबर डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन और हेल्थ। जो चीज़ मैंने अभी डिस्कस की है वही इसमें बता रहे हैं कि जब बच्चा चाइल्ड लेबर में लग जाएगा, पढ़ लिख नहीं पाएगा, तो उसके जो बच्चे होंगे वो भी अल्टीमेटली पॉवर्टी में ही पढ़ लिख नहीं पाएंगे और इनकम नहीं होगी और वो भी पुअर ही रहेंगे। तो वही यहाँ पर बोला जा रहा है कि इट परपेचुएट्स पॉवर्टी, मतलब ये पॉवर्टी को एक परपेचुएट करता है, कंटिन्यू कर देता है उस वो जो पॉवर्टी की जो साइकिल है उसको कंटिन्यू कर देता है ये चाइल्ड लेबर। इट परपेचुएट पॉवर्टी बिकॉज इज चाइल्ड लेबर डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन और हेल्थ फिजिकल डेवलपमेंट इज लाइकली टू बिकम एन एडल्ट विथ लो अर्निंग प्रॉस्पेक्ट्स। चाइल्ड लेबर जो होगा, छोटा सा बच्चा होगा, वो जब बड़ा होगा तो उसके अर्निंग प्रॉस्पेक्ट्स क्या होंगे, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसके बच्चे जो होंगे अल्टीमेटली वो भी गरीब रहेंगे और बगैर पढ़े लिखे रहेंगे, तो एक विशियस साइकिल एक क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो वो विशियस साइकिल क्या है वो यहाँ पर फोर्थ सेंटेंस में बताया जा रहा है पूरा, तो यहाँ पर लॉजिकली फिट होगा आपका सेंटेंस नंबर फोर। इस सेंटेंस को हम देखते हैं, द अब्यूज ऑफ एल्कोहल एंड इलिसिट एंड प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स कंटिन्यू टू बी ए मेजर हेल्थ प्रॉब्लम इंटरनेशनली। एल्कोहल लोग लेते हैं, ठीक है, ड्रग्स लोग लेते हैं और ये एक बहुत बड़ा हेल्थ प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है इंटरनेशनली। इट इज एस्टिमेटेड दैट एल्कोहल अब्यूज रिजल्ट्स इन 2.5 मिलियन डेथ पर ईयर एंड दैट हेरोइन कोकीन एंड अदर ड्रग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 0.1 to 0.2 मिलियन डेथ पर ईयर। यहाँ पर हम ये ड्रग अब्यूज़ की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि इनकी वजह से कितनी डेथ होती हैं, 0.1 to 0.2 मिलियन डेथ पर ईयर यहाँ पर होती हैं, डेथ की हम इसमें बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक इसी से रिलेटेड एक सेंटेंस यहाँ पर आएगा। अब जैसे यहाँ पर लिखा है एग्जिस्टिंग स्टडीज हैव फाउंड अ हाई कोरिलेशन, ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं बिकॉज दिस इशू इज नॉट, यहाँ पर एक्सटेंशन जो आएगा वो किससे रिलेटेड होगा, वो एब्यूज ऑफ एल्कोहल से रिलेटेड नहीं होगा, वो इससे रिलेटेड होगा, इस पॉइंट से रिलेटेड होगा, इसका एक्सटेंशन आपको यहाँ पर चाहिए। और यहाँ पर हमने किसकी बात की है, डेथ की, ठीक है, तो वी नीड अ एक्सटेंशन ऑफ डेथ रिलेटेड सेंटेंस हियर, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए, इस सेंटेंस को छोड़ दीजिए, इसमें देखिए इन एडिशन टू कॉजिंग डेथ, मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ड्रग की वजह से, कोकीन की वजह से डेथ होती हैं और डेथ के अलावा और क्या क्या होता है वही तो हम यहाँ पर बताएंगे आगे जब इस सेंटेंस को हम लॉजिकली एक्सटेंड करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए बता रहे हैं, इन एडिशन टू कॉजिंग डेथ सब्सटेंस अब्यूज, सब्सटेंस मतलब जो हम जो कुछ भी खाद्य पदार्थ होता है जिसको हम खाते हैं, नशीला होता है, सब्सटेंस अब्यूज इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सिग्निफिकेंट मॉर्बिडिटी एंड द ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग एडिक्शन क्रिएट्स ए ट्रेमेंडस बर्डन ऑन सोसाइटी। यहाँ पर हम डेथ के बारे में बता रहे हैं कि कोकीन और हीरोइन से डेथ होती है, यहाँ पर उसका फर्दर इम्पैक्ट क्या पड़ता है, वो जो मरीज होता है, वो जो पेशेंट होता है, वो सोसाइटी के ऊपर एक बर्डन बन जाता है, तो यहाँ पर फर्दर हम उसको एक्सटेंड कर रहे हैं इस सेंटेंस के द्वारा। In addition to causing death, substance abuse is also responsible for significant morbidity. ठीक है, तो logically यहाँ पर second sentence आपका आएगा और यही इसका सही answer होगा। तो इस तरीके से ये पूरा logic है, इसमें English sentences में English की आपकी language तो check हो ही रही है और इसमें आपका logic आपका check किया जाता है examiner के द्वारा। तो English section में आपको दो तीन चीज़ें अच्छे तरीके से करनी है, एक तो आपको reading regular basis पर करनी है, वोकेबलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपको कोर वर्ड्स याद होने चाहिए और आपका लॉजिकल एप्टीट्यूड काफ़ी अच्छा होना चाहिए, यानी इंग्लिश के जो क्वेश्चंस बैंकिंग एग्जाम्स में पूछे जाएंगे उसमें केवल इंग्लिश नहीं आएगी, इंग्लिश प्लस लॉजिकल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा हर क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन हो इंग्लिश प्लस लॉजिकल एप्टीट्यूड उसमें आपका टेस्ट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, आफ्टर मच डिबेट एंड स्पेकुलेशन फॉलोइंग द फरवरी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स प्लेनरी एक मीटिंग होती है एक्चुअली,
द डस्ट हैज फाइनली सेटल्ड, पाकिस्तान विल बी प्लेस्ड ऑन द FATF ग्रे। ग्रे लिस्ट का मतलब होता है किसी को जब हम ब्लॉक लिस्ट कर देते हैं उसको हम बोलते हैं ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट इन जून, इट इज नाउ वर्थ एक्सप्लोरिंग व्हाट दिस मीन्स फॉर पाकिस्तान, पर्टिकुलरली इट्स इकोनॉमी एंड द पोटेंशियल ऑफ दिस इवेंट टू कॉज अ शिफ्ट इन द कंट्री सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक कैलकुलस। अब देखिए देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपकी वोकेबलरी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को मैं लॉजिक से करके बताऊंगा। भले ही आपको कैलकुलस का मीनिंग नहीं पता, ग्रे लिस्ट का मीनिंग नहीं पता, प्लेनरी का मीनिंग नहीं पता, वर्थ का मीनिंग नहीं पता, लेकिन उसके बावजूद भी इस क्वेश्चन को आप लॉजिक से कर सकते हैं। वो कैसे? डाउनग्रेड यहाँ पर एक वर्ड आया, काफ़ी सारे वर्ड्स यहाँ पर आए हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, दे हैव ऑल्सो आर्ग्यूड। यहां पर ऑल्सो जो है, दिस इज द की वर्ड, मतलब उन्होंने इस चीज को भी आर्ग्यू किया है, उन्होंने इस चीज को भी आर्ग्यू किया है। हम बोल रहे हैं दे हैव ऑल्सो आर्ग्यूड, यानी इससे पहले एक सेंटेंस जो आएगा वो आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड आएगा। पहले उन्होंने एक आर्ग्यूमेंट किया है, उसके बाद उन्होंने दूसरा आर्ग्यूमेंट किया है, उसी को हम बोल रहे हैं कि दे हैव ऑल्सो आर्ग्यूड। जब पहले एक आर्ग्यूमेंट होगा उसके बाद जब दूसरा आर्ग्यूमेंट होगा तभी तो हम बोलेंगे दे हैव ऑल्सो आर्ग्यूड, क्योंकि उससे पहले एक आर्ग्यूमेंट चाहिए। तो यहां पर जो सेंटेंस आएगा वो आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड एक सेंटेंस आएगा, मतलब उसमें आर्ग्यूमेंट की बात की गई होगी। अब आप यहां पर देखिए, ये देखिए, सम एनालिटिक्स हैव आर्ग्यूड दैट द ग्रे लिस्टिंग, इसमें आर्ग्यूमेंट की बात हो रही है और इसमें हम बोल रहे हैं दे हैव ऑल्सो आर्ग्यूड, यानी लॉजिकली केवल सेकेंड सेंटेंस ही यहां पर आ सकता है। अब देखिए, इस तरह से क्वेश्चन को यदि आप करते हैं तो ना तो आपको वोकेबलरी की जरूरत है, ना ही आपको आपको कोई फास्ट रीडिंग की जरूरत है, केवल लॉजिक अप्लाई करके इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और एग्जामिनर भी यही आपका टेस्ट कर रहा है कि किस तरीके से आप लॉजिक को फिट करते हैं। ठीक है, तो ये है आपकी सही अप्रोच। ठीक है, ये लॉजिक आपको समझ में आया होगा, मैंने आपको जो बताया है ये एक सही स्ट्रेटजी है, सही तरीका है, और इसी तरीके से आप हाई स्कोर कर सकते हैं बैंकिंग एग्जाम्स में और आप सिलेक्शन ले सकते हैं। दिस इज द राइट अप्रोच। और आपके सामने जो क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर रहा हूँ ये रियल बैंकिंग एग्जाम्स के क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चंस मेंस एग्जाम में पूछे गए हैं, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं है जिनको मैंने क्रिएट किया है या मैंने बनाया है, ये रियल बैंकिंग एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। और आप देख सकते हैं कि कितना आसानी से मैं इनको करके बता रहा हूँ, और एक दो क्वेश्चन नहीं, मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको करके बता रहा हूँ और लॉजिकली मैं प्रूव करके बता रहा हूँ कि यही इसका आंसर होगा। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस को यदि आप ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं, पूरा पढ़ते हैं, पूरे वर्ड मीनिंग के आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, तो आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा आपका लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए, गंगा हैज़ बीन ए क्रेडल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन सिंस टाइम इमेमोरियल। ये बहुत सिंपल वर्ड्स हैं, ये कोई कठिन वर्ड्स नहीं है। क्रेडल का मतलब है कि एक जो पालना होता है जिसमें बच्चे को हम पालते हैं। तो गंगा क्या है? गंगा ह्यूमैनिटी को, लाखों लोगों को, हजारों लोगों को पालती है। गंगा हैज बीन ए क्रेडल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन सिंस टाइम इमेमोरियल, मतलब अनंत काल से गंगा जो है वो ह्यूमन सिविलाइजेशन को पालती आई है, ये इस पूरे सेंटेंस का मतलब है। मिलियंस डिपेंड ऑन दिस ग्रेट रिवर फॉर फिजिकल एंड स्पिरिचुअल सस्टीनेंस, मतलब अपने जीवन यापन के लिए लाखों लोग इस नदी पर डिपेंड हैं अपने जीवन यापन के लिए, इसको हम बोलते हैं सस्टीनेंस। पीपल हैव इमेंस फेथ इन द पावर्स ऑफ हीलिंग एंड रीजनरेशन ऑफ द गंगा, लोगों का काफ़ी विश्वास है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेड रिवर्स इन द वर्ल्ड, मतलब ये काफ़ी पवित्र नदियों में से एक है इन द वर्ल्ड, एंड इज डीपली रिवियर्ड, मतलब इसकी काफ़ी पूजा और श्रद्धा से इसको देखा जाता है। ठीक है, पीपल ऑफ दिस कंट्री, बट द पॉल्यूशन लेवल इज इंक्रीज। यहाँ पर उसका इंपॉर्टेंस बताया है गंगा का, और यहाँ पर लेकिन आखिरी में हम क्या बात कर रहे हैं कि पॉल्यूशन लेवल इज इंक्रीजिंग, पॉल्यूशन लेवल गंगा का बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पर लॉजिकली क्या सेंटेंस आ सकता है? यहाँ पर एक ऐसा सेंटेंस आ सकता है जो रीजंस बताए इस पॉल्यूशन के, ये पॉल्यूशन बढ़ क्यों रहा है, इसके रीजन क्या है, इसके सोर्स बताए या इसके 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 कारण बताए या फैक्टर्स बताए, वो सेंटेंस यहां पर आएगा लॉजिकली। अब देखिए यहां पर देखिए, मिशन क्लीन गंगा ये नहीं आएगा। थाउजेंड्स ऑफ बॉडीज आर क्रीमेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर ईयरली विथ मैनी बींग रिलीज इन टू द रिवर, मतलब यहां पर हम एक रीजन बता रहे हैं तो ये एक सेंटेंस हो सकता है इसका आंसर। यहां पर देखिए, यहां पर ये भी सेम है,
यहाँ पर भी हम रीज़न बता रहे हैं, फोर्थ में भी हम रीज़न बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए फिफ्थ में हम क्या बता रहे हैं, फिफ्थ में हम काफ़ी सारे रीजन्स बता रहे हैं। मेजर पॉइंट सोर्सेस ऑफ पॉल्यूशन इन रिवर गंगा, डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड पार्शियली ट्रीटेड सीवेज फ्रॉम अर्बन सेंटर, डिस्चार्ज फ्रॉम ओपन ड्रेन्स कैरी सीवेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर एटसेट्रा। यानी यहाँ पर हम काफ़ी सारे रीजन्स बता रहे हैं, यहाँ पर हम एक रीज़न बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लॉजिकली फिफ्थ जो सेंटेंस होगा वो मोस्ट सूटेबल रहेगा यहाँ पर। द पॉल्यूशन लेवल जो इंक्रीज हो रहा है वो केवल एक रीज़न की वजह से इंक्रीज नहीं होगा, उसके लिए काफ़ी सारे रीजन्स हैं और मेन मेन रीज़न हैं। जैसे यहाँ पर बताया है कि मेजर पॉइंट सोर्सेस ऑफ पॉल्यूशन क्या है, ठीक है। तो इसलिए फिफ्थ यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 को हम देखते हैं। जीएसटी इज ए सिंगल टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर। क्रेडिट्स ऑफ इनपुट टैक्सेस पेड एट ईच स्टेज विल बी अवेलेबल इन द सब्सिक्वेंट स्टेज ऑफ वैल्यू एडिशन, विच मेक्स जीएसटी इसेंशियली ए टैक्स ओनली ऑन वैल्यू एडिशन एट ईच स्टेज। इसमें हम क्या बात कर रहे हैं, इसमें हम ये बात कर रहे हैं कि जैसे एक मैन्युफैक्चरर ने 10 रुपये का सामान बनाया, उसको आगे डीलर को दिया 12 रुपये में, तो 12, 10 में 2 रुपये हमने जोड़ दिए तो 12 हो गए, तो 2 रुपये पर टैक्स देगा वो। फिर उसने आगे दिया 14 रुपये में, तो ये जो डीलर है ये इस 2 रुपये पर टैक्स देगा, 14 रुपये पर नहीं। और कंज्यूमर को वो बिक रहा है सपोज 15 रुपये में, तो कंज्यूमर जो टैक्स देगा वो 1 रुपये पर देगा, क्योंकि इसमें 1 रुपये का वैल्यू एडिशन हुआ है। तो इस तरीके से इसमें ये टैक्स के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें इससे रिलेटेड सेंटेंस मैं बताता हूँ और लॉजिकली मैं प्रूव करूंगा कि यहाँ पर यही सेंटेंस क्यों आएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है दिस इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प, मतलब यहाँ पर उसके उसके हमने मेरिट्स बताए हैं जीएसटी के, और यहाँ पर हम बता रहे हैं कि इस चीज़ से हेल्प हो सकती है। दिस इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प, इस चीज़ से हेल्प हो सकती है। वो क्या चीज़ है जिससे हेल्प हो सकती है, वो यहाँ पर आएगा। यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरर से जब जब कोई सामान बनता है तो कंज्यूमर तक वो किस तरीके से पहुंचेगा और फाइनल कंज्यूमर कितना टैक्स देगा उस पर, ये इसमें बात हो रही है। अब यहां पर देखिए, यहां पर भी हम फाइनल कंज्यूमर की बात कर रहे हैं। थर्ड में देखिए, द फाइनल कंज्यूमर विल दस बेयर ओनली द जीएसटी चार्ज बाय द लास्ट डीलर, मतलब लास्ट डीलर जो जो जीएसटी लगाएगा उसको बियर करेगा फाइनल कंज्यूमर, ठीक है। तो इसमें मैंने यहाँ पर जो एक्सप्लेन किया है वो ही सेम चीज़ यहाँ पर इसमें एक्सप्लेन की गई है। तो इसलिए लॉजिकली सेंटेंस नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द राइट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इन ए ग्लोबलाइज सोसाइटी मीडिया बिकम्स अ लीथल वेपन अगेंस्ट द एनिमी। ये सही है कि ग्लोबलाइज सोसाइटी में मीडिया जो है वो बहुत पावरफुल हो गया है, एक लीथल वेपन हो गया है अगेंस्ट द एनिमी एंड द पॉपुलस और जनसंख्या के लिए एज वेल। इंफॉर्मेशन एज एन एलिमेंट ऑफ सॉफ्ट पावर इज अ स्ट्रेटेजिक इंस्ट्रूमेंट विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए ग्रैंड स्ट्रेटजी, देयर शुड बी ज्यूडिशियस यूज ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का ज्यूडिशियस यूज होना चाहिए, एक सही एक वाइज यूज होना चाहिए। बट वी विल हैव टू मल स्टेप्स, वी विल हैव टू मल स्टेप्स टू चेक इट्स मिस यूज, मतलब हमें इसके मिस यूज पर रोक लगानी चाहिए कि इसका मिस यूज ना हो। तो यहां पर हम इसके मिस यूज की बात कर रहे हैं। इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट टू नेशंस, यहां पर हम सोशल मीडिया के मिस यूज की बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया एक अच्छी चीज है, एक पावरफुल बून है, ठीक है, लेकिन इसका मिस यूज से हमें इसको रोकना चाहिए। तो यहां पर मिस यूज से रिलेटेड कोई सेंटेंस आ सकता है जिसमें जिसमें इसी तरह की बात की गई हो कि मिस यूज को डिस्करेज करना है और इसके प्रॉपर यूज को इनकरेज करना है। बाई यूजिंग सोशल मीडिया हैकर्स, ये नहीं आएगा। सोशल मीडिया विद ऑल इट्स बेनिफिट्स एंड पोटेंशियल फॉर मोर, इट्स डेफिनेटली ए बून फॉर अवर वर्ल्ड। हाउ एवर मिस यूज, देखिए यहां पर भी हम मिस यूज की बात कर रहे हैं, और इरिस्पॉन्सिबल यूसेज कैन हैव नेगेटिव इफेक्ट ऑन एन इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है। तो यहां पर लॉजिकली आपका सेकेंड सेंटेंस सही रहेगा, यानी करेक्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी हम मिस यूज़ की बात कर रहे हैं और इसमें भी हम मिस यूज़ की बात कर रहे हैं, तो ये लॉजिकल एक्सटेंशन रहेगा। सेकेंड जो सेंटेंस है दैट विल बी द लॉजिकल एक्सटेंशन। तो ये है रियल क्वेश्चंस, और मैंने किस तरीके से एक्सप्लेन किया है सेम इसी तरीके से इनको आपको क्वेश्चन को रियल एग्जाम में सॉल्व करना है। और यही सेम चीज़ मैं अपने ई कोर्सेज में बताता हूँ। यदि आप
फाइनली सेलेक्ट होना चाहते हैं किसी भी बैंकिंग एग्जाम में और इंग्लिश सेक्शन आपको रोक रहा है, तो आप मेरे ई कोर्सेज जरूर ज्वाइन करें। इनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, वहाँ से इनको आप तुरंत आप ज्वाइन कर सकते हैं और इनके थ्रू अपनी सफलता आप सुनिश्चित कर सकते हैं। कोई भी फीडबैक है, कोई भी कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो इन नंबर्स पर आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में, और इसका इंग्लिश वर्जन भी मैं अपलोड करूंगा इसी चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल। इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की मदद हो सके। इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।